গান্ধী মূর্তিতে মালাদান করতে ব্যারাকপুরে আসেন রাজ্যপাল, তাকে অভ্যর্থনা জানান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। আজ 2 অক্টোবর 2021 শনিবার, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর 152তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সকাল 9টায় ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে প্রতি বছরের মতন এক প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কোভিড-19 পরিস্থিতির জন্য এই বছর প্রার্থনা সভায় সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে সংক্ষিপ্তাকারে ও নিয়ন্ত্রিতভাবে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। রাজ্যের পক্ষ থেকে মন্ত্রী ব্রাত্য বসু রাজ্যপালকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন। এদিন রাজ্যপাল গান্ধী মূর্তিতে মাল্যদান করেন, এরপর তার বক্তব্য রাখতে ফের গণতন্ত্রের কথা বলেন। आम नागरिक हिंसा की चपेट में नहीं आए, और वो अगर हिंसा की चपेट में आता है तो शासन और प्रशासन उसका निराकरण करता है। हाल के कुछ महीनों में चिंताजनक हालात देखने को मिले, ऐसी परिस्थिति में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। कहीं भी आप इतिहास के पन्ने खोल कर देख लो, जहां डर इतना है कि डर की वजह से कोई डर की चर्चा नहीं कर पाए, जब सबको हालात का पता है और हालात की चर्चा नहीं कर पाए, ये लक्षण प्रजातंत्र के लिए ठीक है। मेरा आपसे आग्रह, आज संकल्प आम नागरिक की सोच है, आम नागरिक की सोच कर ऐसा वातावरण पैदा करें जिसमें हमारी डेमोक्रेसी, जिसके लिए महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी है, हम 75वें वर्ष में हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, गांधी जयंती पर, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मेरी करबद्ध आप लोगों से प्रार्थना है। উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে বিশ্বজিৎ অধিকারীর রিপোর্ট, টাইমস বাংলা।